रखना, ये 5G में आ रहा है अभी नए वाले सेटों में, QM लिखा होगा, और ये 5 से चालू होता है बेसिकली QM, कुड यू गेस इसकी, ये लेटेस्ट 4G, और ये ऑलवेज 2G 3G कभी नहीं होता, ये 4G प्लस 5G ध्यान रखना, ये लेटेस्ट वाला है। हाँ दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल, आप देख रहे हैं 28 नंबर का बैच। एक बार मैं इनको दिखाना चाहता हूं, किस किस ने लाइट पावर यहाँ पे चालू किया हुआ है, लाइट पावर किस किस ने लाइट पावर चालू किया है, जो भी कम मतलब जो ठीक से नहीं जानता उन लोगों को पास बुला करके हाथ पकड़ के आप लोग समझा रहे हैं, मतलब ये चीज हमको नहीं लगता दुनिया में कोई इंस्टीट्यूट पर पढ़ाता होगा या करता हो, इतने सारे बच्चे को लेकर के भी आप लोग पूरा दिन भर में एक एक बच्चा को आप लोग हैंडल कर रहे हैं, उन लोगों को पढ़ा रहे हैं समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हाँ जिसको आ रहा है उन लोगों को छोड़ दे रहे कि जाओ भाई तुम लोग करो, नहीं उन लोगों के पीछे भी दूसरे लोग लगे हुए रह रहे कि देखो ये ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर कहीं गलती कर रहा है तो फिर उसको बताया जा रहा है कि हाँ ऐसे करो करके। दोपहर में क्लास काय की थी, दोपहर में आईसी आइडेंटिफिकेशन है ना, आईसी की पहचान। यस सर, अभी आप कोई सी भी पीसीबी को देख के बता सकते हो कौन सी आईसी कहाँ कहाँ और कौन कौन सी होगी और कौन से ब्रांड की होगी। यस सर, बता सकते हो आप। यस सर, पीसीबी का पूरा नॉलेज मिला हमको। यस सर, ठीक है। अगर बात करें हम एमटीके की, एमटीके में हमारी कौन सी पावर फर्स्ट होगी कौन सी पावर सेकंड होगी, बात करें हम कॉलकॉम की तो कौन सी पावर हमारी फर्स्ट होगी कौन सी हमारी सेकंड होगी। यस, अगर बता सकते हैं आप। यस सर, अगर कोई सीपीयू बोलेगा ना तो हम उसकी एक एक आईसी बोल देंगे। बस आपके पास आपको मालूम होना चाहिए इसमें सीपीयू कौन सा है, इसके बाद आप आईसी बता देंगे। यस सर, वो भाई कॉलकॉम हो, कॉलकॉम में एमएसएम हो है ना, एसडीएम हो है ना, या एसएन हो, उसमें नेटवर्क कौन सी लगी, पावर कौन सी लगी, एवरीथिंग सर। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मुंह में आ रहा है लेकिन बोलूंगा नहीं, इतना मन कर रहा है ना। नहीं नहीं, सब कुछ आपको मेहनत से मिलता है। देखो आप यहाँ पैसा बिगाड़ के आए हो। यस सर, आप पैसा बिगाड़ के आए हो, आप अपना पैसे का उपयोग लो, हम चीज को हर चीज को ओपन नहीं कर सकते है ना, हमारी ट्रिक्स ओपन नहीं कर सकते कि हम किस ट्रिक्स से पढ़ाते है ना। ये तो कॉपी करने वाले बहुत बैठे हैं भाई हैदराबाद, कॉपी करने वाले बैठे कि नहीं। तो और उसके बाद अगर आपके हाथ में अगर मैं एसपीडी का अगर आप सीपीयू दे दूं तो आप बता दोगे कौन सी आईसी लगी। ठीक है, आज आपने जो प्रैक्टिकल की क्लास होती है, प्रैक्टिकल की क्लास में सबसे पहले क्या किया आपने, आपने एक आईसी का स्केमेटिक डायग्राम बनाया आपने। आईसी को कैसे पढ़ना है, आप अगर एक पावर आईसी आपके हाथ में है तो आप उसको पढ़ के बता दोगे कि कौन से नंबर की बॉल पे कौन सा चीज आउट हो रही है मेरी, मेरी कौन सी बॉल पे इन हो रही है ना, पावर सिग्नल मेरे को कहां से मिल रहा है, इनपुट कहां से मिल रहा है, मतलब आपको आपने पूरी आईसी नहीं बनाई पर बाकी आपको आईसी की काउंटिंग आ गई आपको है ना। अगर मेरा नोस्कट पॉइंट है यहाँ पर है तो मेरी 144 बॉल कहाँ पे आएगी ये मालूम पड़ गया आपको है ना, विथ जीआर के आप जीआर उठा सकते हैं, आईसी के आप जीआर भी उठा सकते हैं। उसके बाद आप हमने सेकंड किया रिसीवर ट्रेसिंग, एमआई नोट 4 का रिसीविंग ट्रेसिंग किया आपने। तो आप में से कौन नहीं कर पाएगा ये बताओ मेरे को, सब कर पाएंगे। ट्रेसिंग कोई भारी चीज है क्या? नहीं सर, आज हमने उसको इजी किया, लाइव सबने किया, आपकी सबकी कॉपी में है, आपने उसको ड्राइंग भी किया। ठीक है, अब आप ट्रेस कर लेंगे ना हैदराबाद, ट्रेस कर लेंगे ना, कर लेंगे ना इधर कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर ट्रेसिंग करने में? नो सर। ठीक है, आज हमने सीखा लाइव हैंडसेट से आईसी पावर आईसी को निकालना और लगाना है ना, आईसी की आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने ट्रेसिंग सीखा है। ट्रेसिंग में हमने लिया है सेक्शन रिसीवर लिया हमने, रिसीवर डन हो गया हमारा। यस सर। अच्छा, जो हमारी जो भी हमारे व्यूअर देख रहे हैं, व्यूअर हम जो भी क्लासेस यहाँ पे पढ़ाते हैं उसका शाम को एक आउटपुट वीडियो बनाते हैं। यस सर। है ना, आप जबरदस्ती हाँ बोल रहे हो क्या? नहीं सर। है, आपने किया तो ही बोल रहे ना, पंजाब से देख रहे हैं, आपने किया तो बोल रहे ना। मैंने किया। क्या किया आज आपने? पावर आईसी लाइव निकाल के लगाया। इसके पहले लगा पा रहे थे आप? नहीं बिल्कुल नहीं, दो बार लगवाया, एक ही बार में लगाया। एक ही बार में लगाया, कितनी बार लगाई आपने? दो बार। मैंने अनुमति कितनी बार की दी थी आपको? एक बार की। दो दूसरी बार तुम्हारे मन से लगाई? यस सर। प्रोटोकॉल तोड़ा है तुमने? है ना, आपका लाइव वीडियो देख सकते हैं ना। यस सर। अगर कोई देखना चाहे तो लाइव वीडियो देख सकते हैं आपका, पंजाब से कोई भी आना चाहे तो
क्या बोलोगे आप प्रेशर, इसके पहले आप आईसी लगा पा रहे थे क्या? नहीं सर बिल्कुल नहीं, नहीं लगा पा रहे थे ना? मैं तो क्लीन भी नहीं कर पा रहा था उसको। अच्छा, तो यहाँ पे जो ट्रिक बताते हैं वो हिंदी में बताते हैं कि चाइनीज में बताते हैं? हिंदी में, हिंदी में बताते हैं ना, समझ में आने वाली भाषा रहती है, रीजनल लैंग्वेज रहती है जो हमारी रात दिन की भाषा, उसके उसके हिसाब से रहती है कि यहाँ पे आते हैं वो टाई वाई पहन के आते हैं, लगा के आते हैं, यहाँ बता देते हैं, उसके बाद क्लास में आकर बैठ जाते हैं, तुम्हारी मर्जी तुम लगा लो। यहाँ एक ऐसा बच्चा बताओ मेरे को कि जिसने नहीं लगाया हो और उसको लगाने में दिक्कत आ रही हो और हमने सपोर्ट नहीं किया? नहीं सर ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं होगा सर, सारे बच्चों लोगों को आप लोगों को इस बार तो सर लेटेस्ट जो एमएमसी चेंज जो भी होती है वो सारे ट्रिक मिलेगा, डबल डेकर नए तरीके से और भी सीखने को मिलेगा, ये सारी चीज मिलेगा सर। मतलब अगर आप एमएमसी करना चाह रहे हैं तो आप आ जाओ, अभी तारीख है आपकी 14 तारीख को प्रकट हो जाओ, देख सकते हैं वो सारी तैयारी चल रही है किस तरीके से क्या है। हाँ। सब कुछ। और अगर डुअल डेकर करना चाहते हो वन टाइम ओटीपी प्रोसेस तो आ जाइए। अभी हमारे लास्ट बैच में बहुत सारे स्टूडेंट करके जा गए हैं, सभी करके गए हैं और बहुत सारे अभी उसको दोहरा भी रहे हैं और लाइक कर भी रहे हैं। जी जी। और हमारी मैडम थोड़ा डिटेलिंग दो क्लास में, यहाँ पर दिसंबर बैच की बुकिंग चल रही है अभी हमारे यहाँ और साल का लास्ट मंथ है तो अभी इसमें डिस्काउंट भी है, लास्ट है इसमें सबसे कम फीस है, तो आप चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके बाद फीस जनवरी से ज़्यादा ही लगेगी आपको। तो स्टूडेंट आप ये देख रहे हैं, ये हमारी टीचर इनकी क्लासेस जिसमें हमने लाइव 4G पावर आईसी सबसे लगवा चुके हैं, इसका वीडियो आप इसके बाद देखेंगे। और ये है डाटा सीट कि किस तरीके से आईसीयू के पैड को पढ़ना, चाहे वो बॉल हो या लैग हो, और क्योंकि जब हमें डायग्राम में काम करना है तो हमें आत्मनिर्भर होने की बहुत ज़रूरत है, हमें एंडलेस सीखना है तो हमको हर चीज़ आनी चाहिए कि आईसी निकालने के और आईसी के पैड कैसे चेक करें। आप देखिए कि स्टूडेंट यहाँ पे खुद आईसी के पैड चेक कर रहा है डाटा सीट के साथ में, जो कि यहाँ पे हमने डायग्राम पे ओपन की है। और यहाँ पर सिर्फ यही नहीं, सारे के सारे स्टूडेंट्स हमने डाटा सीट बनवाई है, हमने उनके ही मोबाइल में, और जिसमें अगर उनके पास ट्रेसिंग के लिए हमने खुद से भी मोबाइल दिए हैं। आप देखेंगे पूरे वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आप पूरा देखेंगे ना तो ही आपको समझ में आएगा। और ख़ास तौर पर इस वीडियो को लाइक करो, जितना हो सकता है उतना लाइक करो दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक पर है ना, अगर हमें बहुत अच्छा लगा तो हम इसके बहुत सारे पार्ट को हम यहाँ पर अनम्यूट डालेंगे ताकि आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिले दोस्तों। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पे देखिए कि क्लास का एक सिस्टमेटिक वे होता है, सवेरे हम से पूरा लाइव काम करवाते हैं, जो भी हम आईसी का काम हो, जिसमें हमने लाइव अब तक रिबॉलिंग करवाई थी, आज 4G सीपीयू करवाया है और अब हम इनसे सेक्शन वाइज काम करवा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पर्टिकुलर हर स्टूडेंट नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि नोट्स की इंपॉर्टेंट क्या है ये तो मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ, क्योंकि नोट्स इनका एक तरह से डाटा होता है और जितना भी ये डाटा नोट करके आते हैं यही उनके आगे भविष्य में काम आता है। और यहाँ पे आप देखिए कि DSO फ्रिक्वेंसी टेस्टिंग ये क्लास है, जिसमें हमने आप बताया कि DSO कैसे चलाते हैं और DSO को कैसे यूज़ किया जाता है, और समय समय पर जब इसका सेक्शन आएगा तो हम इस DSO से हम टेस्ट करके बताएंगे कि किस कहाँ पर फ्रिक्वेंसी आती है और कैसे उसको चेक करते हैं ताकि आप एंडलेस काम कर सकें। फ्रिक्वेंसी का सीन ऐसा है कि दोस्तों अभी आपसे वोल्टेज और उसकी जो पल्स या रीडिंग जो GR होती है उस पर काम करते हैं, पर अभी तक आपने फ्रिक्वेंसी पे काम नहीं किया होगा, तो क्योंकि आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि CPU आपका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारा मोबाइल किन किन चीज़ों से वर्क करता है, तो ये सारी जानकारी आपको हासिल करनी आनी चाहिए और ये सब कुछ आप Acer Telecom में आके सीख सकते हैं। दिसंबर बैच की अभी बुकिंग ओपन है दोस्तों, नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आज ही अपनी सीट बुक करा लो, क्योंकि 28 दिसंबर का जो बैच है उसमें आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि आपको Acer Telecom में वो मिलेगा जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। चलिए इधर देखिए, आज हमारे तीसरे दिन की क्लास थी, तो मॉर्निंग में क्या किया आपने? मॉर्निंग में इधर देखिए पावर आईसी लाइव बोर्ड का निकाला था। हाँ। चालू हो गया आपसे? चालू हो गया 4G। अभी क्या कर रहे हैं आप? और ट्रेसिंग कर रहे हैं। तो आज किसी क्लास हुई फिर पावर आईसी के बाद? आईसीयू की फुल डिटेल मिली यहाँ पे, सारा जो भी CPU होगा उसके अकॉर्डिंग हमें सारा डिटेल मिला वहाँ पे। कैसी रही क्लास देव सर? समझ में आया? पावर आईसी आपने इससे पहले किया था कभी? नहीं सर। लाइव किया? नहीं सर। कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपने चालू किया?
हाँ सर। कितनी बार किया? दो बार कर दिया। हाँ चलिए ठीक है, करिए। अभी कोई भी बोर्ड में आईसी में पूछूं आपसे तो आप बता पाओगे नहीं बता पाओगे? हाँ सर। चाहे वो लाइट आईसी हो, चाहे वो सीपीयू कौन सा है, एमएमसी कौन सा, सब बता लेंगे? हाँ। सारा डिटेल बताया क्या? हाँ सर। ओके चलिए ठीक है। क्या कर रहे हैं अभी आप? ट्रेसिंग कर रहे सर। इधर देखिए, आज सुबह हमारी किसकी क्लास हुई थी? आज पावर आईसी थी। पावर आईसी मॉर्निंग की क्लास, फिर उसके बाद किसकी क्लास हुई? उसके बाद में आईसी को आइडेंटिफाई, तो आईसी की सारी जानकारी दी गई? यस सर। कि कौन सी आईसी क्या होती है, क्या काम करती है, कहाँ पे लगी होती है, किस सेक्शन पे लगी होती है, सब कुछ बताया गया यहाँ पे? यस सर, पूरा डिटेल। उसके बाद अभी आप क्या कर रहे हो? ट्रेसिंग कर रहे हैं सर। ट्रेसिंग कर रहे हैं, तो आईसी को फाइंड आउट कर रहे हैं? यस सर। पैड पढ़ना आ जाएगा, आईसी को पढ़ना आ जाएगा? यस सर। ओके चलिए ठीक है। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर अभी तो ट्रेसिंग कर रहे हैं। ट्रेसिंग कर रहे हैं, तो मॉर्निंग में किसका मैं सबसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मॉर्निंग में आज किसका क्लास थी, क्या सब्जेक्ट था हमारा? जियो फोन का जो लाइव आपने चालू किया? दो बार किया सर। दो बार कर दिया, इससे पहले करते थे? नहीं सर, पहली बार ही निकाला चलते सेट का आईसी। पहले डर लग रहा था ऑन होगा, मैं पूछा भी था सुबह, लग रहा था तो हो गया ऑन। अब कैसा बूस्ट लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अभी लग रहा है कि कोई भी चालू सेट का पावर आईसी निकाल के लगा दे। मेहनत करना है, डेड नहीं होगा, डेड नहीं होगा, प्रैक्टिस करना है। पर अभी भी आगे चल के हमें क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। 3 दिन की क्लास हुई है। हाँ अभी तो ओनली 3 दिन की क्लास हुई है, तो जो आज है उसके बाद आईसी की क्लास हुई थी, कैसा लगा आईसी की क्लास? जो सर को पढ़ना सिखाया, अभी हम बोर्ड देख के पहचान सकते हैं कि ईएनएमसी कौन से एमएमसी लगी हुई है और सीपीयू कहाँ पे है। ओके। पावर आईसी कहाँ पे है और पावर आईसी एक है या दो है। ओके। सेकेंडरी पीएम है कि मेन पीएम है, सब आईसी है, सब पहचान लेंगे। अभी पहचान लेंगे और रात में जाकर रिवीजन करेंगे तो और थोड़ा अच्छी तरह से पता चल जाएगा। सारा डिटेल दिया गया है? पर सर दिया गया, सभी डिटेल में लिखा होगा। ओके ओके चलिए ठीक है। आप क्या कर रहे हैं अभी? अच्छा ये पैड भी आप लोगों ने बनाया ना? जी सर। ये आईसी को पढ़ते आ रहा है अभी आपको? जी सर। ये एंट्री वाई क्लॉज होती है? जी सर। सब कुछ पढ़ा है? तो आज सुबह आपने क्या किया? सुबह पावर आईसी आपको लाइव भी दिखाया था, चालू हुआ था फिर? जी सर हुआ था। चालू हो गया था फोन? तो कैसा, इससे पहले करते थे काम आप? जी नहीं। तो अभी आप कैसा लग रहा है? अच्छा तीन दिन में आपने लाइव पावर चालू कर दिया, कल आप लाइव 4G भी करने वाले हैं जो कि हम लाइव देखेंगे आपको। तो फिलहाल अभी फिर उसके बाद आईसीयू की डिटेलिंग कैसी रही देव सर की क्लास? बहुत अच्छा रहा सर, वहाँ जो भी बता रहे थे वो समझ में आ रहा था। जी आ रहा। अब पीसीबी देखने का नजरिया चेंज हो रहा है? जी सर। मतलब ऐसा कि अगर कोई भी आईसी हो तो देख के बता पाएंगे कौन सी आईसी है? जी सर। और ये सारा कुछ लिखवाया गया, नोट्स में बनवाया गया? जी सर। ये कितना इम्पोर्टेंट है बताइए तो? बहुत इम्पोर्टेंट है सर। बहुत इम्पोर्टेंट है? जी सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। इधर देखिए क्या कर रहे हैं? ट्रेसिंग कर रहे हैं। मॉर्निंग की किसकी क्लास थी आपकी? तो एक मिनट इधर छोड़ दीजिए, इधर देखिए। तो मॉर्निंग में क्या सब्जेक्ट था आज हमारा? मॉर्निंग में पावर आईसी की बोली। लाइव पावर निकालना और फिर लगाना, तो आपसे चालू हुआ मॉर्निंग। इससे पहले करते थे? कभी नहीं किया था। फर्स्ट टाइम। अब कैसा लग रहा है आपको? 3 दिन में आपने लाइव पावर लगा दिया, तो कैसा लग रहा है अंदर से? बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद फिर देव सर की क्लास हुई आईसीयू की डिटेलिंग, तो पहले आप जब बोर्ड देखते थे, अब जब बोर्ड देख रहे हैं तो कितना फर्क है? बहुत फर्क है। अब आप देख करके बता सकते हैं कौन सी ऐसी क्या है, कहाँ पे है, डायग्नोस कर पाएंगे? कौन सी पीएम है, कौन सी सेकेंडरी पीएम है, ये सब बता पाएंगे? चलिए ठीक है, करिए। ये है मध्य प्रदेश जबलपुर एमपी में सोनू जी। चलिए तो अभी आप क्या कर रहे हैं? ट्रेसिंग कर रहे हैं। आईसीयू की डिटेलिंग हुई थी आज जी। तो इधर देखिएगा, सुबह का कंसेप्ट क्या था हमारा? सर पावर आईसी का। पावर आईसी, तो कल हम 4G भी देखने वाले हैं, सीपीयू भी देखने वाले हैं। उसके बाद हमें बताइए पावर आईसी आपने निकाला था, क्या चालू हुआ क्या? जी चालू हुआ। चालू हो गया था, इससे पहले करते थे आप? नहीं, इससे पहले नहीं किए थे। अभी आपसे जब ऑन हो गया तो अब कैसा लग रहा है? आप बहुत अच्छा लग रहा है सर। समझ में आ रही सारी चीज़ें? जी सर। फिर देव सर की क्लास हुई तो उसमें कैसा रहा उनका आज की क्लास? बहुत अच्छा रहा था। आईसीयू की डिटेल बहुत अच्छा समझ में आया, सब देखने का समझ। अब आपको कोई भी आईसीयू का यहाँ पे बोर्ड में दे दी जाए तो पहचान पाएंगे? जी पहचान। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। आप क्या कर रहे हैं? ट्रेसिंग कर रहे हैं। तो ट्रेसिंग मीन्स आज क्लास हमारी किसकी थी? मॉर्निंग की क्लास बताइए। सर मॉर्निंग की क्लास हम लोगों का जियो फोन से या 4G कोई भी फोन से हाँ का पावर निकाल के दोबारा लगाना ऑन सेट से। ऑन सेट से आपने किया? जी बिल्कुल। चालू हुआ? हाँ सर, दो बार किया। इससे पहले करते थे आप? सर करते थे लेकिन आईसी का काम नहीं करते थे। तो अब कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा मीन्स बोले कि अगर आपको कोई भी अभी लाइव आपसे कराया जाए, बोल दिया जाए चलिए लाइव पावर निकालिए एक फ़ोन का, बिल्कुल निकाल करके लगा देंगे? लगा देंगे 10 मिनट में 10 मिनट में लगा देंगे।
तो अभी ओवरऑल फिर देव सर की क्लास कैसी रही आपको? सर बेस्ट एकदम। पहले जब आप पीसीबी देखते थे अब पीसीबी देखते हैं तो कितना फर्क है? पहले आईसी का हमको पहचान नहीं था, अब बस देखे समझ पा रहे हैं कि ये फलाना काम का है, ये ऐसा काम कर रहा है, ये ऐसा काम कर रहा है। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करिए सोनू जी, और आपको एमडी सर कॉल उठाएंगे और आपको डिटेल दे देंगे। चलिए तो अभी आप क्या कर रहे हो? टेस्टिंग कर रहा हूँ। आज कितने दिन की क्लास हो गई? तीसरे दिन। आज केवल तीसरे दिन में? तीसरे दिन में क्या मॉर्निंग में क्या कराएगा? पावर आईसी रिपोर्ट। पावर आईसी तो आपसे हुआ? नहीं हो पा रहा था। अच्छा, में सर ने हेल्प की और दो बार सर ने सिखाया, उसके बाद जाकर हुआ। तो वो आपसे ही हुआ कि सर ने किया? मेरे से हुआ। आपसे चालू हुआ? तो अब कैसा लग रहा है? दो बार लगा अरे यार हम तो नहीं सीख पाएंगे, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, मेरे से नहीं हो रहा था, उसका रीजन है क्योंकि आज तक मैंने मोबाइल का हीट गन भी नहीं उठाया। फ्रेशर थे आप? सबसे पहली बार मैंने किया है। अच्छा, तो अब कैसा लग रहा है अभी? दिक्कत आ रही थी थोड़ी, तो सर ने सबसे ज्यादा गाइड किया। ऐसा तो नहीं आपको डांट दिया और यार तुमसे नहीं आ रहा है चलो साइड हो जाओ? दो बार नहीं हुआ तो सर ने दो बार मुझे हेल्प की। अच्छा अच्छा। दो दो बार जो जो गलतियाँ आ रही थी मुझे बता रही थी, क्योंकि मैं पहली बार था तो मुझे पता नहीं था क्या चीजें किस तरह से। ओके। तो आज सर ने बताया तो सारी चीजें समझ आई और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते और एक्सपर्ट बनते। तो फिर उसके बाद आईसी की क्लास हुई, आईसी का नॉलेज कैसा रहा अभी आपको? सर आईसीओ के बारे में सर जितना सर ने बताया, देवेंद्र सर ने बताया, शायद उतना इंडिया में या फिर हमारे एशियन कंट्रीज है वहाँ पर कोई जानता होगा। अच्छा, सारी डिटेलिंग दी गई आपको? जितना मोबाइल के अंदर कंपोनेंट्स है वो तो बताई है, और उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने आते हैं वो सारे बता दिए, तो अभी पर जानना मुश्किल है। तो अभी आपको अगर कोई भी ऐसी पूछा जाए तो देख करके बता दें? यस, बता दें। कौन सी आईसी, कौन सा सीपीयू, कौन सा पावर? कंप्लीट सर। चलिए, कैसा ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है तीन दिन का? बस बढ़िया सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। चलिए क्या कर रहे हैं अभी आप? डायग्राम डाटा सीट बना रहे हैं जी। तो अगर आईसी आपको दे दी जाए उसकी डाटा पैड डाटा सीट बना लेंगे अभी आप? बना लेंगे। तो आपने मॉर्निंग में क्या, आपने भी पावर का जैसे कंसेप्ट था तो आपने मोबाइल का पावर आईसी निकाला था, फिर चालू हुआ आपसे? आप पहले काम करते थे या नहीं करते थे? नहीं करते थे। तो पहली बार में नहीं हुआ, फिर सेकंड बार में? ऐसा तो नहीं हुआ कि पहली बार में नहीं हुआ तो हमसे नहीं होगा? नहीं सर, कोशिश करेंगे तो होगा। कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, क्योंकि फील्ड और यहाँ पे एसए टेलीकॉम बिना मेहनत वाले स्टूडेंट को सपोर्ट नहीं करता है। तो बेसिकली फिर उसके बाद आईसीयू की डिटेलिंग दी गई, तो कैसा रहा आईसीयू की क्लास आपको? बढ़िया। कल आपसे लाइव, कल अभी तो आपने आज पावर किया है, कल आपसे 4G सीपीयू कराया जाएगा, सीपीयू पे काम कराया जाएगा। तो फिलहाल अभी कैसा ओवरऑल तीन दिन का एक्सपीरियंस? बढ़िया है सर, समझ में आ रहा है सारी चीज़ें? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। जी क्या कर रहे हैं? ट्रेसिंग कर रहा हूँ। ट्रेसिंग कर रहे हैं जी सर। अच्छा चलिए बताइए, मॉर्निंग में क्या किया था आपने? मॉर्निंग में सर वही लाइव पीसीओ। तो आपसे आपने निकाला था? यस सर। और चालू भी हुआ? यस सर। नहीं हुआ सर? हुआ था। चालू हो गया? इससे पहले काम करते थे? नहीं सर, रिपेयरिंग करते थे सर, डिस्प्ले करते थे। मतलब वो तो काम तो नॉर्मल चीज़ें हैं। अब आपको लाइव अगर बोला जाए कि चलिए आप बैठिए और लाइव आपसे एक पावर आईसी निकलवाया जाए तो कर लेंगे? चलिए, कल सीपीयू भी है, कल आपका कल सीपीयू का है, तो सीपीयू में भी आपको लाइव ही करना है सारी चीज़ें, कल भी हम देखेंगे आपको। तो फिलहाल ओवरऑल फिर उसके बाद आईसी की क्लास कैसी रही? ओके, कौन कौन सी होती है? अच्छा, सीपीयू वाइज सारा समझ जाएंगे। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल कराया जाता है कि नहीं कराया जाता है? प्रैक्टिकल करते डाटा सीट बना है? अच्छा, दिखा दीजिए थोड़ा सा सर, ये है। तो इसको आईसी को पढ़ना आ रहा है अभी आपको? ये है। अच्छा हाँ सर, ये आईसी को पढ़ना आ रहा है अभी? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। चलिए क्या कर रहे हैं अभी आप? स्पीकर सेक्शन को चेक कर रहे हैं। हालांकि बेसिकली अभी स्पीकर सेक्शन आपका नहीं हुआ है, स्पीकर सेक्शन आपका पूरा एक क्लास है, रिंगर के ऊपर एक क्लास है पूरा। फिलहाल आज हमारी आईसी की क्लास थी, पर मॉर्निंग में क्या कराया गया आपको? मॉर्निंग में जिंदा फोन मतलब ऑन फोन से सीपीयू पावर आईसी को निकाल करके रिपोर्ट करके फिर से लगाना। तो आपने निकाला और लगाया? जी सर बिल्कुल, एक ही बार में। आपसे चालू हुआ? बिल्कुल सर। तो इससे पहले कर रहे थे आप? नहीं सर बिल्कुल नहीं। कहाँ पे सीखा आपने?
कैसा सिखाया जा रहा है बेसिकली? तीन दिन के क्लास में आपने लाइव पावर निकाल करके चालू कर दिया, डर नहीं लग रहा था कहीं डेड हो जाएगा? सर मम्मी का फोन था, हमको फोन करके अलग से बोले कि देख बाबू फोन डेड नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा। फिर हम बोले नहीं अब जो होगा दिखा जाएगा, बट एक ही बार में होगा। तो आपने फिर मम्मी को बताया फोन ऑन हो गया? नहीं अभी तक फोन नहीं किया। तो बताएंगे? टाइम भी तो नहीं होता ना सर यहाँ पे, मतलब कंटिन्यूअसली क्लास होते रहता है तो टाइम ही नहीं। टाइम मिलेगा तो बताएंगे जी फोन ऑन हुआ कि नहीं हुआ। चलिए उसके बाद फिर हमारी क्लास आप देख सकते हैं आईसीयू का हुआ, तो आईसीयू की डिटेलिंग देव सर ने कैसा दिया आपको? आईसीयू की डिटेलिंग सर इतना अच्छा है कि कोई भी फोन का जितना भी मतलब आईसी है एक बार में देख के बताया जा सकता है कि कौन सा आईसी। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम उसका नेटवर्क आईसी हो या वाईफाई आईसी हो या कोई भी आईसी को हम देख के बता सकते हैं कि उसमें कौन सा सीपीयू लगा हुआ, इवन वो कितना कौन सा नंबर का सीपीयू लगा हुआ है, मतलब उसका टीना को हमको खोलने का भी जरूरत नहीं है। अच्छा सीपीयू वाइज आप बता देंगे कि उसमें कौन सा नेटवर्क आईसी है, नेटवर्क आईसी से बता देंगे कौन सा सीपीयू। तो इतना अच्छा डीप प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं अभी आप वही चीज? हाँ अभी वही चीज कर रहे हैं कि कौन सा आईसी क्या है क्या नहीं। ओके ओके चलिए ठीक है कंटिन्यू करिए। चलिए इधर देखिए। अच्छा तो मॉर्निंग की क्लास में आपने भी लाइव पावर काम किया था कि नहीं किया था? कितनी बार में सक्सेस हो गया था? पहली बार में जॉब डन हो गया था। और फिर आईसीयू की डिटेलिंग कैसी रही आपकी? मैम आपको हिंदी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है पता है। अभी जो क्लास हुई आईसीयू की क्लास हुई है तो वो कैसा रहा ओवरऑल? आईसीयू की क्लास कैसा रहा ओवरऑल आप अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं? मेरे को मालूम नहीं है। अच्छा लैंग्वेज समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो फिलहाल अभी जो आपने ये बना रहे हैं ये क्या चीज़ है बताइए? चलो आईसीयू का डाटा सेट जी समझ में आ रही सारी चीज़ें? हिंदी समझने में दिक्कत तो नहीं होती? बोल नहीं पा रहे? चलिए ठीक है कंटिन्यू करिए। आप क्या कर रहे हैं सर? सीवर आईसीयू कहाँ से आप बता दीजिए व्यूअर को पता चलना चाहिए कहाँ से आप? कर्नाटक मैंगलोर। चलिए तो रिसीवर के ट्रैक चेक कराओ। फिलहाल आज रिसीवर की क्लास नहीं हुई है, आपका पूरा रिंगर सेक्शन एक दिन का प्रॉपर है वहाँ पे आपको रिंगर सेक्शन मिलेगा। फिलहाल आज आईसी की क्लास थी। आईसी से पहले किसकी क्लास थी? आईसी से पहले लाइव सीपीयू होगी। लाइव सीपीयू लाइव पावर लाइव सीपीयू कल है आपका, करेंगे वो भी हम देखेंगे। कल भी हम लाइव आए, हम डेली लाइव आते हैं। तो चलिए फिलहाल अभी आपके पास जो फोन था वो चालू था कि बंद था? वो चालू था। तो वो चालू हुआ? एक बार में चालू हुआ। एक बार में ऑन हो गया। सबसे ज्यादा खुशी शायद आप ही को हुई थी क्लास में? हुई थी। अच्छा अच्छा इससे पहले करते थे आप? इससे पहले करते थे आईसीयू लेवल पे काम? एक बार भी नहीं किया था। फिर आईसीयू की क्लास हुई, आईसीयू की जब हमारी क्लास हुई तो कैसा लग रहा है बोर्ड देख करके या फिर कोई भी फोन होगा उसको बता देंगे? बिल्कुल ये इसी पे जो मैं बता सकता हूँ क्या क्या अगर हमें मुझे चार्जिंग आईसीयू के बारे में पता है तो फिर भी मैं सीपीयू का नंबर बता सकता हूँ। सीपीयू बता सकते कि कौन सा सीपीयू लगा हुआ है? तो कैसा रहा देव सर का क्लास? बहुत अच्छा रहा, समझ में आ रही सारी चीज़ें? ओके ओके चलिए ठीक है कंटिन्यू करें। हसन जी आप इंस्टीट्यूट का नंबर है डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप कॉल कर सकते हैं सर को, एमडी सर को, या फिर इंस्टीट्यूट में कॉल करिएगा 12 से 5 तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए क्या कर रहे हैं अभी आप? रिसीवर का ट्रेस आईसी की, बेसिकली आज आईसी की ट्रेसिंग है। ये जो पैड है पैड पढ़ते आ जाएगा अभी आपको आईसीयू के पैड की कौन सा नंबर कहाँ पे आ रही किस बॉल पे आ रही बता पाएंगे? डायग्राम मैच हो जाएगा? तो बेसिकली मॉर्निंग की क्लास में क्या हुआ था? मॉर्निंग की क्लास में आपका लाइव 4G सेक्शन जी जी पावर निकाल के लगाया गया। तो आपने किया था? ये सब किया था। तो चालू हो गया था फोन? ये सब चालू हो गया। बेसिकली अगर बोर्ड की बात करें सबसे पहले आपने ही किया था आई थिंक, लाइव भी आपने देखा था, लाइव ही कर रहे थे हम। तो फिर उसके बाद आईसीयू की क्लास कैसी लगी आपको? देव सर की क्लास कैसी थी? बहुत बढ़िया है, जो मुझसे गलतियां वैसे पहले कर रहा था लेकिन इतना अच्छा नहीं कर रहा था। ओके 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 यहां पर आके मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ मेरे कहां गलती कर रहा था। हां अभी आप अब आप अगर वो आप कितने सालों से कर रहे थे बेसिकली? अगर यही 3-4 साल पहले मिल जाता तो कहां होता। तो चलिए फिर देव सर की क्लास हुई, तो देव सर की क्लास कैसी लगी अभी फिलहाल? आपने जो सोच किया था वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या मैसेज टेलीकॉम उससे ज्यादा मिल रहा है ये दिल से बोल रहे हैं? चलिए चलिए कंटिन्यू ठीक है थैंक यू। मेरी जी क्या कर रहे हैं अभी आप? चलिए बोल ले लीजिए। चलिए ठीक तो चलिए आप क्या कर रहे हैं अभी? नोट 4 का बोर्ड है, उसका 4 का बोर्ड है, एयर स्पीकर क्या जी आर। चलिए आज आपकी एयर स्पीकर की फिलहाल क्लास नहीं थी, आज की क्लास हमारी मॉर्निंग की क्लास बताइए। ओके 4G हैंडसेट का पावर नहीं था? जी 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 चालू हो गया था वो वन टाइम में हो गया था?
चलिए, कैसा लग रहा है अभी? मतलब कि अभी तो आपको कल भी लाइव आएंगे, कल आप 4G CPU करने वाले हैं, तो फिलहाल अभी कैसा लग रहा है पावर पे? अगर लाइव कराया जाए कि चलिए, तो लाइव आपने देखा भी है, लाइव हम आते भी रहते हैं, तो कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा लाइव आता है क्या? मतलब अपने काम को लाइव दिखाता है क्या? अपने काम को लाइव, क्या पता वो ना कर पाए, पर हम तीनों टाइम लाइव आ रहे हैं, आपको सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, तो कोई फेक है क्या यहाँ पे? फेक नहीं है। तो चलिए ठीक है, कल हम CPU भी देखने वाले हैं, लाइव देखेंगे आपका CPU भी। तो फिर उसके बाद IC की क्लास हुई थी, तो कैसा लगा IC की डिटेलिंग? अब बोर्ड देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चेंज हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि केवल Qualcomm MediaTek पढ़ा दिया और सारी और CPU छोड़ दिया गया, सारा डिटेल दिया गया? चलिए ठीक है। बेसिकली आपका ये रिंगर सेक्शन जो है, एक दिन के पर्टिकुलर आपकी सेक्शन है, वो आपको मिलेगी। ओके ठीक है, कंटिन्यू करिए। चलिए इधर देखिए थोड़ा सा, क्या कर रहे हैं अभी आप? सर मैंने ट्रैक फाइंड किया है, इसको वापस से रिवॉल्व करूँ। ओके ओके, तो अब सब, अब अगर हम बात करें कोई भी CPU, जैसे हम Qualcomm की बात करें, उसमें मेन पावर, सेकेंडरी पावर पहचान जाएंगे? बिल्कुल सर, CPU से मैं पूरा फोन का डिटेल्स बता। ओके ओके, उससे पहले मॉर्निंग की क्लास में क्या किया? मॉर्निंग की क्लास में सर मैंने ऑन फोन से पावर IC निकाल के उसको वापस से, तो ऑन हो गया था वो, ऑन हो गया था। तो सीपीयू तो हम लाइव आते हैं कंटिन्यू, आपको भी पता है। तो बेसिकली कैसा ओवरऑल 3 दिन का अभी तक का सफर रहा? क्लास मुझे अभी 2 दिन में कंप्लीट होने वाला है। अच्छा, अभी तो आपके पूरे के पूरे बात करें तो 26 से 27 दिन बचे हुए। अच्छा, तो यहाँ की टाइमिंग ऐसा तो नहीं 8 बज जाते हैं बोलते चलो निकल जाओ? अभी भी हम लोग देवसर की क्लास रहती है। ओके, कुछ 5 बजे ऐसे आना होता है। जी जी, क्लास चल रही थी, इंटरेस्टेड थे बच्चे, सर पढ़ाते रहे। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं कि वो चले गए, सर का टाइम मिल जाए तो। ओवरऑल जो आप सोच के आए थे वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? चलिए, सोचा था, बड़ी बड़ी चीजें हम लोग सोच के आते हैं। जी जी जी, छोटी छोटी रिलेटेड रहती है। जी जी, अपन सोच भी नहीं सकते वो है। चलिए चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। चलिए, आप क्या कर रहे हो अभी? ये क्या बनाया आपने? ये डाटा सीट बनाया है, IC का डाटा सीट। ये समझ के बनाया कि ऐसे कहीं से देख के उतार दिया है? समझ के बनाया है। मॉर्निंग में आपने भी पावर निकाला था? चालू हो गया था? चालू हो गया था। तो फिलहाल फिर IC की डिटेलिंग कैसी रही आपकी? अच्छी रही, समझ में आई? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। चलिए, आप क्या कर रहे हैं अभी? ये डाटा सीट, माई नोट 4 का डाटा सीट, नोट 4 ICO का। PMI का है कि PM का है बताइए? PMI का है। PMI का आप देखते पहचान पा रहे हैं? PMI PM पहचान जाएंगे। ओवरऑल सुबह आपने मॉर्निंग क्लास में बताइए क्या किया? मॉर्निंग क्लास में सर हम लोग लाइव जियो फोन का 4G और ऑन कर दिए। ओके चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। चलिए, क्या कर रहे हैं आप ये? नोट 4 की। तो ये आप जो कर रहे हैं यहाँ पे, तो चलिए सबसे पहले मॉर्निंग की क्लास बात कर लेते हैं। मॉर्निंग क्लास में आज हमारा जो कंसेप्ट था पावर IC का, तो वो आपने काम किया? हाँ सर। चालू हो गया था फोन? हाँ सर, एक बार में हो गया। तो कैसा लगा कि हम कर पाएंगे? जब आप कर रहे थे तो कैसा लगा कि हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? हाँ सर, यहाँ का समझाने का तरीका कैसा रहा? अच्छा है सर। कोई भी फ्रेशर बंदा भी कर सकता है? हाँ सर, कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर बंदे भी हैं, वो भी कर रहे हैं सारी चीज़ें। उसके बाद अगर हम बात करें अभी, उसके बाद हमारी कुछ की क्लास हुई, फिर IC की डिटेलिंग की क्लास हुई। तो IC की डिटेलिंग आपकी बताई गई? हाँ सर। कैसा रहा देखने का PCB? अगर कोई भी आपके पास बोर्ड आता है फोन का, तो उसमें देख के बता देंगे कौन सी लाइट पावर, सेकेंडरी पावर, सब कुछ बता पाएंगे? हाँ सर, बता पाएंगे। चलिए, ओवरऑल कैसा 3 दिन का सफर रहा? अच्छा अच्छा रहा। गुड की वेरी गुड? वेरी गुड। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं? ड्रेसिंग। जी सर। आपको देख के सब एनर्जी बूस्ट होती है सारे स्टूडेंट को। तो बताइए मॉर्निंग में क्या किया आपने? तीसरे दिन की क्लास, IC रिवॉल्विंग और पावर IC, पावर IC निकालना लगाना। तो आपने चालू फोन पे काम किया कि बंद फोन पे? चालू फोन। तो फिर वो चालू हुआ कि नहीं हुआ? हुआ चालू। चालू हो गया था? तो कैसा लग रहा है कि हो पाएगा कि हमसे नहीं हो पाएगा? हो पाएगा, हो पाएगा। मेहनत इसे टेलीकॉम में मेहनत है कि मेहनत नहीं है? मेहनत है, जैसा जैसा ट्रिक बताया जाता है अगर उसको फॉलो करेंगे तो लोग मेहनत करें कहाँ से कहाँ पहुँचे। ओके, मेहनत के ऊपर बहुत अच्छी बात बोली कि अगर आप बिना मेहनत के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। फिर ICU की क्लास हुई, तो IC क्लास में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? IC क्लास में अच्छे रहा, मतलब कि अगर है कि हम जो है शुरू से रिवॉल्विंग नहीं किए थे, आँख से कुछ प्रॉब्लम नहीं। फिर ICU की डिटेलिंग की क्लास हुई थी। अच्छा, आपको आँखों का प्रॉब्लम है थोड़ा, तो कोई बात नहीं है। फिर ICU की डिटेलिंग कैसी देगी? देव सर की क्लास कैसी रही? बहुत अच्छी।
बहुत अच्छा समझाने के हिसाब ट्रिक है उसका बैग का नाम जो है okay, okay. को दिमाग में अटैच हो जाता है सेट हो गया यस चलिए आईसी की डिटेलिंग से डायग्राम okay, जितना भी सर बताते हैं एक भी अगर सेट देख लिया जाएगा तो है चलिए चलिए थैंक यू कंटिन्यू करिए चलिए क्या कर रहे हैं अभी आप ड्रेसिंग कर रहा हूँ सर मॉर्निंग में आपने लाइव पावर किया था सर चालू हो गया था उसके बाद फिर सीपीयू की क्लास कैसी रही आपको मतलब कि आईसीयू की क्लास समझ में आई सारी चीज़ें अभी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो वही चीज़ें देख करके पहचान जाएंगे कौन सी आईसीयू क्या है सर चलिए ठीक है कंटिन्यू क्या कर रहे हैं अभी आप सर डायग्राम बनाए हैं डायग्राम डाटा शीट की डाटा शीट बना रहे हैं तो मॉर्निंग की क्लास क्या थी बताइए बहुत अच्छी रही मॉर्निंग बहुत अच्छी मतलब क्या था सब्जेक्ट क्या था आज का पावर आईसी का सब्जेक्ट था तो पावर आईसी का जो सब्जेक्ट था हमारा तो आपने काम किया वहाँ पे चालू फोन पे काम किया था चालू हैंडसेट से हमने निकाला और रिवॉल्व करके वापस डाल दिया आपने उसके बाद आपको मैं बताऊँ कि उसके बाद आईसी की डिटेलिंग कैसी दी गई आपको परफेक्ट मतलब अगर आप कोई बोर्ड दे दिया जाए तो उसे देख के बता पाएंगे आप बिल्कुल बता देंगे ओवरऑल 3 दिन का सफर कैसा रहा आपका बहुत अच्छा समझ में आया सारी चीज़ें जी सर चलिए ठीक है कंटिन्यू करिए तो गाइस जैसा कि आपने देखा यहाँ पे आज हमारी केवल 3 दिन की क्लास हुई थी जो कि यहाँ पे इन्होंने पावर सेक्शन पे पावर आईसी को निकाला और लगाया सारी चीज़ें यहाँ पे और यहाँ पे लाइव ऐसा नहीं सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे लगाया और निकाला दूसरी चीज़ कल हमारी जो क्लास होगी वो होगी हमारी सीपीयू के ऊपर होगी जो कि हम आपको लाइव दिखाएंगे कि सीपीयू में हम लाइव सीपीयू को निकालना फिर लगाना चालू फ़ोन में तो ऐसे ही बने रहे आप थैंक यू अब आप देख रहे हैं कि ये हमारी शाम की प्रैक्टिकल की क्लास है जैसे कि मैंने आपने का पूरा वीडियो देखा है नहीं देखा तो शुरू से पूरा वीडियो देखिए पहले हमने इनको थ्योरी क्लासेस दी और पूरा प्रैक्टिकली इनको आईसीयू की डाटा शीट डिटेलिंग बताई और यही चीज़ अब ये अपने पीसीबी में है उस आईसीयू को निकाल के उसकी डाटा शीट और डिटेलिंग कर रहे हैं जहाँ पर हमने इनको सेक्शन एक रिसीवर दिया है और ये रिसीवर को एंडलेस ट्रेस कर रहे हैं आईसीयू के अंदर तक और सेक्शन वाइज जिसमें इनको ट्रेसिंग सिखा रहे हैं और ये ट्रेसिंग सिर्फ ऊपर ही ऊपर नहीं आईसीयू के पैड के अंदर जिन्होंने इन्होंने खुद एक आईसी निकाल कर और पैड को चेक किया है और उसके बाद उस आईसी को लगाया भी है दोस्तों आप देखिए कि कितनी बड़ी लैब है इंडिया में सबसे बड़ी लैब एसर टेलीकॉम की है और बहुत ही आधुनिक लैब है और यहाँ पर हमने स्टूडेंट को हर एक कैटेगरी के हमने SMDs प्रोवाइड किए हैं भले ही वो एक क्विक से एक SMD से लेकर एक क्विक की अगर हम बात करें 8, 6, 7 हमने यहाँ पर प्रोवाइड कराई है और साथ में हाई लेवल के हम माइक्रोस्कोप आप यहाँ पर देख रहे होंगे और उसके साथ में सारे तौर पर हमने इक्विपमेंट यहाँ पर दी हैं T12 Pro हमने यहाँ पर सारे स्टूडेंट को दिया है और उसके अलावा मल्टीमीटर्स की भी रेंज करें तो हमने एक बहुत अच्छा क्वालिटी वाला मल्टीमीटर यहाँ दिया है जिससे स्टूडेंट अपने सब तरह के कंपोनेंट और टेस्टिंग कर सके सर मैं लाइव पावर आईसी किया सीपीयू किया जब सीपीयू किया तो एक अंदर आए मतलब सर हाँ सर एकदम बढ़िया है इन्हें सीपीयू करवा दिया ये तो है मतलब हाँ सर लास्ट डे क्या करके गए लास्ट डे तो एकदम बढ़िया सा काम किया डबल लेकर यहाँ पे क्या क्या किया लाइव सीपीयू और पावर आई पावर आई सी और बाद में अब ये लास्ट दिन क्या करके गए डबल डे किया जी सर हाँ सर डिसिप्लिन सब चीज़ है सर यहाँ पे जो होनी चाहिए इंस्टीट्यूट में जो सीखने के लायक जो चीज़ होनी चाहिए सब चीज़ अवेलेबल अच्छा लाइव क्या किया या सर लाइव मैंने सीपीयू लगाया पावर आई सी लगाया आखिर दिन क्या किया डबल डेकर क्या हमने आपको बताया कि बोर्नियो कितना मतलब कितना बोर्नियो गलत है हाँ सर कि बोर्नियो ने आधा दूरा कान दे हाँ सर क्योंकि बना रहे हमारे जैसे ही लड़के वो भी बताए थे कि नहीं बताए थे आप स्टूडेंट आते हैं कि नहीं सिखाते सर यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जी जिसने पीसीबी पे कोई भी कंपोनेंट छोड़ा हो बिल्कुल हाँ कनेक्टर से लेके कंपोनेंट से लेके लास्ट क्या करके गया हाँ सर डबल डेकर किया था मोबाइल रिपेयरिंग लाइन में अच्छे से सीखना है तो एशियन टेलीकॉम में आया आपने कभी आईसी पे काम किया था कभी नहीं यहाँ पे लाइव क्या किया आपने लाइव सीपीयू भी लगा आईसी पे भी लाइव काम पावर आईसी पे काम और आईसी पे लास्ट डे क्या करके गए डबल डेकर डबल डेकर मैं जानना चाहता हूँ लास्ट डे क्या करके गया सर लास्ट डे डबल डेकर डबल डेकर राहुल लास्ट डे डबल डेकर करके गया बताओ कि लाइव क्या करके गए सर लाइव 4G सीपीयू निकाला पावर लाइव बनाया उसको हाँ सर एक बार राहुल के जोरदार ताली बजाइए भाई सर लास्ट डे अपन ने मतलब ड्यूल टेकर पर वर्क किया क्लीनिंग प्रोसेस पूरा सर आपने तो 3 टाइम किया ना उसको हाँ 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 मेरे वो ब्लैक पेस्टेड फोन था वो मैंने खुद ऑन किया और सर को दिखाया दिखाई आपने क्या क्या काम किया लैब पावर एसी और लैब सीपीयू किया और लास्ट डे क्या करके गए ड्यूल टेकर लाइव क्या किया आपने सारे टोटल लाइव किए EMC है EMC लाइव पावर सीपीयू लगाया कि नहीं लगाया सीपीयू टोटल लगाया लास्ट डे क्या करके गए डबल डेकर तो आखिरी दिन क्या किया आपने ड्यूल टेकर बढ़िया तरीके से जी सर आप किस मेरे साथ लाइव क्या किया आपने
लाइव डुअल डेकर आपका लास्ट डेट डुअल डेकर किया। हाँ दोस्तों, बैकअप के स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे, तो कि तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए आप? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिबॉल भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। पी सीपीयू भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल डेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर सीपीयू करके गए। चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर सीपीयू। और इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? कैसे रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की, ये आपने की है, सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल डेकर क्या है? मैंने ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज क्या करवाया? डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई आप। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन सर? डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया सर? डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू, और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता है सर? बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया सर? डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया खुद से? यस सर, खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर, यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर, रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? आज सर ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए सर? हमने ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट Thank you.